एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं UGC नेट JRF विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था, उसका सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने बना ली है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसके आगे के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पॉप कला आंदोलन के कलाकारों का चयन कीजिए। ऑप्शन है जॉन मीरो, रिचर्ड लिंडनर, एंटी वरहोल, ऑटो म्यूलर, जियां अर्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बी एंड सी। बी है रिचर्ड लिंडनर एंड सी एंडी वरहोल। तो पहले हम रिचर्ड लिंडनर की बात कर लें, तो इनका जन्म हुआ है 1901 ईस्वी में हमबर्ग जर्मनी। नेक्स्ट है एंडी वरहोल, इनका जन्म हुआ 1928 ईस्वी में पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो एंडी वरहोल हैं, ये पॉप कला आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो ये दो आंसर आपके राइट हो गए। अब जो इनके तीन ऑप्शंस हैं उनकी हम बात कर लें, तो जॉन मीरो का जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं चित्रकार दोनों रहे हैं, और इनका जन्म हुआ है बरसी लोना स्पेन। नेक्स्ट है ऑटो म्यूलर, इनका जन्म हुआ 1874 ईस्वी में लुबावका पोलैंड। और फ्रेंड्स, ये जर्मन पेंटर ग्राफिक आर्टिस्ट भी रहे हैं। नेक्स्ट है जियां अर्ब, तो जियां अर्ब की हम बात कर ले, तो इनका जन्म हुआ है 1886 ईस्वी में, ये जर्मनी फ्रेंच मूर्तिकार एवं स्कल्पचर हैं। इसके साथ ही साथ ये पेंटर भी रहे हैं, पेंटर एंड पोएट। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित टिजियानो वैसिलिस चित्रों के कालक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है वर्शिप ऑफ उर्बिनो, रेप ऑफ यूरोपा, एडम एंड ईव, पिएटा। तो इनको पहले हम कालक्रम में कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी एंड डी। वर्शिप ऑफ उर्बिनो, रेप ऑफ यूरोपा, एडम एंड ईव, पिएटा, ये आपको ऑलरेडी कालक्रम में ही दिया हुआ है। तो जिनकी भी पेंटिंग्स मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है रेप ऑफ यूरोपा की पेंटिंग, जिसको टिशियन ने बनाया है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1560 से 1562। नेक्स्ट है किस माध्यम में इसे बनाया गया है, तो इसका माध्यम है तैल रंगों में, यानी कि कैनवस पर तैल रंग, ऑयल ऑन कैनवस। इसका साइज़ है 178 × 205 सेंटीमीटर, इंच है 70 × 81 इंच, और यह संग्रहित है इसाबेला स्टीवर्ट गार्डन संग्रहालय बोस्टन में। नेक्स्ट पेंटिंग है एडम और ईव की। तो फ्रेंड्स, ये द फॉल ऑफ मैन, जिसे एडम और ईव भी कहा गया है, ये टिशियन के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक मानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड है 1550 ईस्वी, और ये मैड्रिड में सुरक्षित है। नेक्स्ट पेंटिंग इज पिएटा की, जिसे माइकल एंजेलो ने भी बनाया है, बट माइकल एंजेलो ने मूर्ति बनाई है पिएटा की, और टिशियन की ये है चित्र। इसे भी इन्होंने कैनवास पर ऑयल माध्यम से बनाया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी ये, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1575 से 1576। इसे इन्होंने कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया, और इसका साइज़ की हम बात कर लें, तो इसका साइज़ है 389 × 351 सेंटीमीटर, 153 × 138 इंच। इसका लोकेशन है गैलरीज डेला एकेडमिया वेनिस।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट भी करते चलिए, क्योंकि पेंटिंग्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इमेज को देने के बाद। ये सारे क्वेश्चंस को बना के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करते चलिए। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट मिल सकेंगी वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे काफ़ी जो वीडियो हैं वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स इसको शेयर भी करते चलिए, जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुँची है उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुचैम्प की कलाकृतियों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कॉफ़ी मिल, डे लाइट सेविंग, द ब्राइट स्ट्रिप्ड बॉय, हर बैचलर इवेंट, द फाउंटेन, टिल्ड फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए सी एंड डी। कॉफ़ी मिल मार्सल दुनसा की है, द ब्राइट स्ट्रिप्ड बॉय अ बैचलर इवेंट, द फाउंटेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग्स हैं, तो इन पेंटिंग्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉफ़ी मिल इसको बनाया इन्होंने 1911 ईस्वी में। ये ऑयल पेंट एंड ग्राफिक ऑन बोर्ड, इस माध्यम से इन्होंने बनाया इसे, और ये सुरक्षित है टेट गैलरी में। इसकी इमेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इनकी कॉफ़ी मिल जिन्होंने बनाया है मार्सल दुनसा ने, काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मार्सल दुनसा की काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग मानी गई है। इसको इन्होंने, मैंने इसे आपसे बताया कि इसको इन्होंने 1911 ईस्वी में ऑयल पेंट एंड ग्राफिक ऑन बोर्ड में तैयार किया, और ये सुरक्षित है टेट गैलरी में। नेक्स्ट पेंटिंग हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये पेंटिंग है यानी कि इन्होंने जो ये इंस्टॉलेशन एक तरीके का इन्होंने बनाया है, तो दी ब्राइड स्ट्रिप्ड बॉय अ बैचलर इवेंट। नेक्स्ट है फाउंटेन, ये सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग इससे परिचित भी होंगे कि मार्सल दुनसा की जो ये फाउंटेन इंस्टॉलेशन है ये कितनी फेमस है। इसको इन्होंने 1970 ईस्वी में तैयार किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज विच आर इम्पॉर्टेंट डिवीजन ऑफ डिज़ाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान का कर्निंग, कर्निंग हो जाएगा आपका दो अक्षरों के बीच के स्थान का समायोजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। लीडिंग है टाइप के लाइनों के बीच स्थान संयोजन, लेनियल समान आघात यानी स्ट्रोक्स वाले अक्षर, पिका, पिका का मतलब होता है टाइपोग्राफी में लंबाई की माप, एक छोटा सा अंश होता है जिसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी में लंबाई की माप, जिसे हम कहते हैं पिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन भुजाओं को गणितीय अनुपात है जो जैविक और संतुलित और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक संरचना का निर्माण करती है। तो राइट आंसर इज थर्ड, 1:1.618 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा था सौंदर्य संपूर्णता है, ब्यूटी इज परफेक्शन। राइट आंसर इज सेकंड, बॉमगार्टन। तो पहले फ्रेंड्स ये जो फिलोसफर हैं इनकी भी हम डेट ऑफ बर्थ को जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉमगार्टन का डेट ऑफ बर्थ है 1740। इनका जन्म हुआ है बर्लिन जर्मनी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। है लियो टॉल्स्टॉय, इनका जन्म हुआ है 1828 ईस्वी में यसनाया पोलियाना रूस। नेक्स्ट है रस्किन का डेट ऑफ बर्थ है 1819, इनका जन्म हुआ है लंदन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हिगेल, इनका जन्म हुआ है 1770 ईस्वी में जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घनवाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
सेकंड घनवाद 1907, सेलो दे रिफ्यूजे 1863, वॉन गॉग 1853, दादावाद 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन वेयर जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान तक पकाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अभिकथन को हमें देखना है। तो अभिकथन ए है छाया चित्र के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली कला की मौलिक रचना बना देती है। आर है छापा चित्र को मौलिक रचना बनाने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमल शैली के कुडू और शशु आर्चिस के विकास के बारे में सही कालक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है मदुरई, पंडियन, चोल, विजयनगर, पल्लव। बहुत इजी है ये इसको सीक्वेंस में करने के लिए। अगर आपने सारे वंश के कालक्रम को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले होगा पल्लव, सेकेंड चोल, थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा पंडियन काल, फोर्थ नंबर पे विजयनगर, देन लास्ट हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे मदुरई, जिसका राइट आंसर सेकंड। सबसे पहले ई यानी पल्लव, सी चोल, बी पंडियन, डी विजयनगर, देन लास्ट ए मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा शिल्प के शिल्पकार कौन थे। पिएटा को किस चित्रकार ने बनाया, किस मूर्तिकार ने बनाया है। इसके पहले भी टिशन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टिशन की जो पेंटिंग है पिएटा की, उसमें माइकल एंजेलो ने भी पिएटा की एक मूर्ति बनाई है, बट माइकल एंजेलो की मूर्ति है और टिशन की चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट माइकल एंजेलो। लेकिन इनकी भी हम डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे क्योंकि इस पे भी कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। माइकल एंजेलो का डेट ऑफ बर्थ 1475 और इनका जो डेथ है वो है 1564। नेक्स्ट है राफेल, इनका जन्म हुआ है 1483 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1520। नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर जो प्रसिद्ध जर्मन छापाकार माने जाते हैं। इस पे भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनका जन्म हुआ है 1471 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1528 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्जियन, इनका जन्म हुआ है 1475 ईस्वी में। कई जगह पे 8 भी दिया हुआ है तो शायद आई थिंक इसीलिए इन्होंने ऑब्लिक किया है कि 1475/8 और इनकी मृत्यु 1510 यानी कि 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है मोनार्क जो बनाया गया है कास्ट एवं वेल्डेड धातु में। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया लेकिन साथ में इन्होंने डीप क्वेश्चंस को इन्होंने मेंशन भी किया है तो इनका जो माध्यम मेंशन है वो आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनेंगे, इसी पे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इनके जो माध्यम है इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मोनार्क इनकी कास्ट एवं वेल्डेड धातु से बनाया गया। बी है बिफोर अ फॉल जो वुड से बनाया गया है। नेक्स्ट है टीमिंग मिलियंस कांच और शीशा से बना है। ब्राइट कास्ट से बनाया गया, कॉस्मिक एनर्जी ताम्र से बनाया गया। तो ये हो गए माध्यम की बात। अब हम देख लेते हैं धनराज भगत की कौन सी इसमें से वर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी ए डी एंड ई, मोनार्क, ब्राइड एंड कॉस्मिक एनर्जी। तो इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं इनकी इमेजेस को दिखा के। तो फ्रेंड्स ये इनका वर्क है मोनार्क जो धनराज भगत ने बनाया है। इसको जूम भी कर दे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इनका कुछ डिटेलिंग की हम बात करें तो धनराज भगत जिसको इन्होंने अनटाइटल्ड भी नाम दिया है, इसका नाम है मोनार्क। इसे इन्होंने 1960 से 1969 ईस्वी के बीच में तैयार किया और ये वुड
नेल्स एंड कॉपर शीट पे इन्होंने तैयार किया है। इसका साइज़ है 44.4 × 24.1 × 17.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंच में 17.5 × 9.5 × 7 इंच। नेक्स्ट वर्क है, तो फ्रेंड्स मुझे इनके और भी जो वर्क हैं वो जो पॉइंट में दिए हुए हैं वो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं मिले हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसको मैं निकाल के खोज के मैं उसकी वीडियो एक बार फिर आपसे के साथ शेयर कर लूँगी। तो तब तक हम देख लेते हैं इनके कुछ और भी वर्क जो मुझे मिले हैं। तो इनके सारे जो वर्क हैं ये धनराज भगत के ही हैं। सेम इनकी अगर बात करें तो ये सारे इनके वर्क अनटाइटल्ड इन्होंने बनाया है। इसके बाद इन्होंने सिंबल पे बनाया है 1968 पे, ये देख सकते हैं ये सिंबल 1968। नेक्स्ट है अ लाइफ ऑफ क्रिएटिविटी, इस सारे इनके वर्क धनराज भगत ने भी एक ये भी बनाया है। धनराज भगत एक अनटाइटल्ड इन्होंने बनाया है जिसका नाम इन्होंने दिया है पोर्ट्रेट, इसको इन्होंने 1963 ईस्वी में बनाया है। नेक्स्ट इज एक इन्होंने भगत D04 इसका इन्होंने नाम दिया। नेक्स्ट वर्क हम देखें, नेक्स्ट है इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इन्होंने अनटाइटल्ड इन्होंने 1970 में एक तैयार किया, उसके बाद इनका एक जो और वर्क है वो है अनटाइटल्ड पोर्ट्रेट। इस पोर्ट्रेट को इन्होंने 1963 ईस्वी में वुड से इन्होंने तैयार किया। नेक्स्ट है अनटाइटल्ड हॉर्स, इसको भी इन्होंने वुड से ही बनाया है। नेक्स्ट है अनटाइटल्ड लिंगराज, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है ये। नेक्स्ट है ये मैं आपके शेयर कर चुकी हूँ अभी जस्ट इनका पोर्ट्रेट। क्वेश्चन है कथन का, काव्यालंकार सूत्रवती ग्रंथ साहित्यिक आलोचक नग्नजीत द्वारा लिखी गई है। कथन सेकंड है, काव्यालंकार सूत्रवती के आलोचक ने प्रतिपादित किया है कि शैली काव्य की आत्मा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका 4। कथन एक असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल क्वालिटी ऑफ आर्ट नूवो आर, ऑप्शन है ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक, प्लांट लाइक लाइन, फ्लावरी, अब्स्ट्रैक्ट। राइट आंसर इज 3, ए बी एंड डी, ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक एंड फ्लावरी। एम सी एशन कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला है जो 29 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई, किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, मेटामोफार्स। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एम सी एशर के फुल फॉर्म की, तो एम सी एशर का पूरा नाम है मॉरिट्स कॉर्नेलिस एसर, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके पूरे नाम पे। तो इनकी भी इमेज मैं आपसे शेयर करूंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स ये इनके वर्क है एम सी एसर के 29 ब्लॉक्स के, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें हॉर्स भी बनाए गए हैं, बर्ड्स भी बनाए गए हैं। इसकी मैं एक इमेज और आपको दिखाती हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सममिति संतुलन के उदाहरण हैं, ऑप्शन है व्यतिरेकी संतुलन, एकांतर संतुलन, ऊर्ध्वस्थ संतुलन, भार संतुलन, विकर्णी संतुलन, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, बी सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली में हुआ था, ऑप्शन है सोलंकी,
द्राविड, बेसर, नागर। राइट आंसर इज फर्स्ट, सोलंकी। नेक्स्ट है, मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विष्णु, जिनका मेल हुआ है गदा से। राइट है आपके गणेश नग्न, सूर्य कवच, इंद्र ताज। तो तीन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है गलत विकल्प का, तो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है, अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्ण किया गया है? ऑप्शन है शिवलिंग मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, लोटस मुद्रा, सूर्य मुद्रा। तो राइट आंसर इज सेकेंड, धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट इज, शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोनोटाइप, प्रोटोटाइप, आइसोटाइप, फोटोटाइप। राइट आंसर इज थर्ड, आइसोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, एक्वाटिंट में प्लेट को बिछाने के लिए, प्रस्तर या प्लेट को एच करने के लिए, किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए, या फिर गोंद को हटाने और प्रस्तर या प्लेट को पुनः सुग्राही बनाने के लिए। तो राइट आंसर इज थर्ड, किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए। तो जब हम कोई भी चित्रण करते हैं तो हम वॉश आउट का प्रयोग करते हैं, पुरानी स्याही और चित्र उसमें से हट जाए। नेक्स्ट है, सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी निम्नलिखित में से किस डिजाइनर की कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जेम्स मोंटगोमरी फ्रॉग। इसकी भी इमेज मैं आपसे शेयर कर रही हूं। फ्रेंड्स, ये इमेज है जिसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी। इसे किसने बनाया है? जेम्स मोंटगोमरी फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कलाकार का संबंध बड़ौदा से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ है 1940 ईस्वी में बर्नपुर आसन सोल। नेक्स्ट है, किशोरी कौल, इनका जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है रीनी धुमाल, 1948 ईस्वी में बंगाल में। नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी, इनका जन्म हुआ 1949 ईस्वी में मुंबई में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द विस्टा निम्नलिखित में से किस कलाकार का ड्राई पॉइंट है? ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांड, फ्रांसिस्को दी गोया, मैक्स बेकमैन। राइट आंसर इज सेकेंड, रेम्ब्रा। हम देख लेते हैं द विस्टा की पेंटिंग। फ्रेंड्स, ये है रेम्ब्रांड की द विस्टा, जिसे इन्होंने इस पेंटिंग को इन्होंने 1652 ईस्वी में तैयार किया है। ये इनकी द विस्टा पेंटिंग। तो हम कुछ इनके पॉइंट्स की बात कर ले। तो रेम्ब्रा का जन्म हुआ है 1606 ईस्वी में लीडेन, नीदरलैंड, और ये एक डच पेंटर भी रहे हैं। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो, इनका जन्म हुआ 1881 ईस्वी में मलागा स्पेन, स्पेनिश पेंटर एंड स्कल्पचर भी रहे। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को दी गोया, इनका जन्म हुआ है 1746 ईस्वी में स्पेन में। पॉइंट है मैक्स बेकमैन, इनका जन्म हुआ है 1884 ईस्वी में जर्मनी में, और ये पेंटर एंड ड्राफ्ट
मैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ोदरा में स्थापित प्रसिद्ध मूर्ति अबेकस के शिल्पी कौन थे? ऑप्शन है महेंद्र पांड्या, शंकुराय चौधरी, बलवीर सिंह कट, नागजी पटेल। राइट आंसर इज 4, नागजी पटेल। अबेकस की हम मूर्ति को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनका वर्क है अबेकस। नागजी पटेल का जन्म 1937 ईस्वी में गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है महेंद्र पांड्या, इनका जन्म हुआ है 1926 ईस्वी में गुजरात के भारूच के इंदौर जिले में। नेक्स्ट है शंकुराय चौधरी, 1916 में इनका जन्म हुआ है, परगाना बिहार। नेक्स्ट हम बात कर लें बलवीर सिंह कट की, तो इनका जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में रावलपिंडी में। इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ है रावलपिंडी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रस की पहचान कीजिए। ऑप्शन है श्रृंगार, उत्साह, भय, विभत्स, विस्मय। राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ट्रायल कलर स्कीम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पीला नारंगी, लाल बैगनी एंड नीला हरा। नेक्स्ट इज, मल्टी बिट्स स्कैनर किस फॉर्मेट में कलर सूचना ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आरजीबी। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन ग्रुप 8 के सदस्य हैं? ऑप्शन है जगदीश डे, परमजीत सिंह, दत्तात्रेय आप्टे, लक्ष्मी दत्ता, जय झरोठिया। राइट आंसर इज सेकंड, ए बी एंड डी, जगदीश डे, परमजीत सिंह, लक्ष्मी दत्ता। तो जगदीश डे का जन्म हुआ है 1942 ईस्वी में बांग्लादेश में। नेक्स्ट है परमजीत सिंह, इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में अमृतसर में। नेक्स्ट है लक्ष्मी दत्ता, इनका जन्म हुआ है 1969 ईस्वी में। फिर दो हमारे बसते हैं, दत्तात्रेय आप्टे एंड जय झरोठिया। दत्तात्रेय आप्टे का जन्म हुआ है 1953 सेंगली महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जय झरोठिया, इनका जन्म हुआ है 1945 में। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनके साथ ही साथ हम इनके डेट ऑफ बर्थ को भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस पे भी क्वेश्चंस आपके छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विज्ञापन को माना जाता है? ऑप्शन है कला, विज्ञान, शौक, व्यापार, प्रदर्शन। राइट आंसर इज 4, ए बी एंड डी। ये कला है, एक विज्ञान है एंड एक व्यापार है, यानी कि बिजनेस है। तो विज्ञान को हम कला भी कह सकते हैं, ये एक विज्ञान, तो आपका विज्ञापन ऑलरेडी विज्ञान ही है, साइंस, देन व्यापार। नेक्स्ट इज रस, रस का हो जाएगा करुण, विभाव, आलंबन, अभिनय, अंगिका, व्यभिचारी भाव, अचिर स्थायी मनोभाव। राइट आंसर इज सेकंड। जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निसिंग के लिए प्रयुक्त सर्कुलर पैड है? सर्कुलर पैड, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बेरन। नेक्स्ट इज, जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े बौद्ध मंदिर का किस नाम से जाना जाता है? सबसे बड़े जो बौद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंकोर वाट मंदिर, बोरोबुदुर, प्रम्बानन, मोमोयामा मंदिर। राइट आंसर इज सेकंड, बोरोबुदुर मंदिर। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे बौद्ध मंदिर की बात हो रही है, तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। अंकोर वाट आपका ये हो जाएगा, ये एक हिंदू मंदिर है।
त्र्यंबानाम हिंदू मंदिर है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोबुदुर मंदिर, जो इंडोनेशिया में सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है शंखुराय चौधरी, सतीश गुजराल, सोमनाथ होर, अमरनाथ सहगल। तो सोमनाथ, सबसे पहले शंखुराय चौधरी को हम देख लेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1916। सतीश गुजराल 1925, सोमनाथ होर 1921, अमरनाथ सहगल 1922। इनको हम सीक्वेंस में लगा लेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सबसे पहले शंखुराय चौधरी 1916, सोमनाथ होर 1921, अमरनाथ सहगल 1922, देन सतीश गुजराल 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकाल में यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। राइट आंसर इज फर्स्ट, गांधार कला। आउट ऑफ गिवन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन चूज द मोस्ट सुटेबल प्रिंटिंग प्रोसेस फॉर लार्ज नंबर। ऑप्शन है फ्लेक्सोग्राफी, कोलोग्राफी, लिथोग्राफी, ऑफसेट ग्रेव्योर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए डी एंड ई, फ्लेक्सोग्राफी, ऑफसेट एंड ग्रेव्योर। नेक्स्ट है, उन मूर्तिकारों की पहचान कीजिए जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। ऑप्शन है राघव कनेरिया, शिव सिंह, हिम्मत शाह, पुष्पमाला। राइट आंसर इज फोर, ए एंड डी, राघव कनेरिया एंड पुष्पमाला। राघव कनेरिया का जन्म है 1936 ईस्वी में, शिव सिंह का 1938 1938 ईस्वी, एंड हिम्मत शाह, इनका जन्म हुआ है 1933 ईस्वी में लोथल में, लोथल गुजरात। एन पुष्पमाला, इनका जन्म हुआ है 1956 ईस्वी में बेंगलुरु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे का जन्म हुआ है 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनका जन्म हुआ 1867 ईस्वी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, राजा रवि वर्मा 1848। इन्हीं के साथ ही फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर, तो इनका जन्म हुआ है 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के मूलभूत घटक कौन से हैं। ऑप्शन है विचार, बिंदु, प्रतीक, लोगो, लयबद्धता। राइट आंसर इज सेकंड, ए सी एंड डी, विचार, प्रतीक एंड लोगो। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है उपनिषद, अरण्यक, वेद, रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले वेद, उसके बाद अरण्यक, थर्ड नंबर पे उपनिषद, देन लास्ट रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, सी बी ए एंड डी। नेक्स्ट है, राम किंकर बैच की मूर्ति शिल्पों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है यक्ष यक्षिणी, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ट्रैम्प्स ऑफ लेबर, कॉल ऑफ द मिल, संथाल फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्ष यक्षिणी, कॉल ऑफ द मिल, संथाल फैमिली, ए डी एंड ई, थर्ड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इनके वर्क से आप परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार इस इमेजेस को शेयर कर लेती हूँ ताकि एक बार आपका रिकॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये यक्ष और यक्षिणी है राम किंकर बैच की, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट वर्क है ये, फ्रेंड्स राम किंकर बैच की मील कॉल है जिसे इन्होंने 1956 ईस्वी में तैयार किया। राम किंकर बैच की संथाल फैमिली वर्क से आप सभी लोग परिचित होंगे, ये इनका वर्क है संथाल फैमिली जिसे इन्होंने 1938 ईस्वी में बनाया था। इसका माध्यम है
सीमेंट एंड लेटराइट मोटर्स यानी कि कंक्रीट पत्थर से इन्होंने इसको तैयार किया। और ये इसका लोकेशन है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स। और ये वर्क है केजी सुब्रमण्यम का फेरी टेल्स ऑफ पूर्यपल्ली। इसके हम डिटेलिंग्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये केजी सुब्रमण्यम की फेरी टेल्स ऑफ पूर्यपल्ली पेंटिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको इन्होंने 1986 से 87 के बीच में तैयार किया और ये वाटर एंड ऑयल पेंट इन एक्रेलिक सीट पे इन्होंने इसको तैयार किया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइम्स ऑफ लेबर, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिसको तैयार किया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने, और इनका जो क्रिएटिंग टाइम है वो है 1959। और ये एक स्टैचू है, इनका जो माध्यम है वो है ब्रॉन्ज। इनका लोकेशन है मरीना बीच चेन्नई। तो फ्रेंड्स आई थिंक फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इन आर्टिस्ट पिगमेंट कलर थ्योरी व्हेन थ्री प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड टुगेदर विच कलर इज फॉर्म्ड। ऑप्शन है ओलाइव ग्रीन वाइट ग्रे ब्लैक। राइट आंसर इज 4 ब्लैक। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था कि कलर पिगमेंट में वो थ्री कलर को मिक्स करने पे कौन सा कलर प्राप्त होता है, यानी कि प्राइमरी थ्री कलर्स को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो राइट आंसर इज ब्लैक। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी ने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल शैली की जदू पटुआ चित्रों के बारे में लिखा है। राइट आंसर इज फोक आर्ट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पेपिरस और लेखन, रोमनेस्क गोथिक पांडुलिपि, मिस्र की हाइरोग्लिफिक्स, गुटेनबर्ग की मोबाइल टाइप, लैटिन अल्फाबेट। राइट आंसर इज सेकंड। सबसे पहले हो जाएगा मिस्र की हाइरोग्लिफिक्स, सेकंड पेपिरस और लेखन, नेक्स्ट लैटिन अल्फाबेट, फोर्थ नंबर पे रोमनेस गोथिक पांडुलिपि, देन लास्ट हो जाएगा गुटेनबर्ग की मोबाइल टाइप। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कारपोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं। ऑप्शन है कारपोरेट विज्ञापन का अपव्यय है, इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ता की रुचि नहीं होती है, या कारपोरेट असंयम का खर्चीला स्वरूप है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बापूजी जैसे समान शीर्षक से छापा कलाकृतियां सृजित की हैं। ऑप्शन है कृष्ण आहूजा, नंदलाल बोस, मुकुल डे, ललित मोहन सेन, जयकृष्ण अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बी एंड डी, नंदलाल बोस, ललित मोहन सेन। तो नंदलाल बोस का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1882, ललित मोहन सेन 1898। नेक्स्ट है कृष्ण आहूजा, इनका जन्म हुआ है 1943 ईस्वी में। मुकुल चंद्र डे 1895, जयकृष्ण अग्रवाल 1941 ईस्वी। तो इस सबके डेट ऑफ बर्थ हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड से सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है कहलाता है। ऑप्शन है वेस्ट मोल्ड, मदर मोल्ड, फ्लेक्सिबल मोल्ड, इन्वेस्टमेंट मोल्ड। राइट आंसर इज सेकंड, मदर मोल्ड। यूनानी कला की काश मूर्तियों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है चैरिएटियर ऑफ डेल्फी, डिस्कोबोलस, डेरिफोरस, प्राक्सिटेल्स, एथिनियस मेडल्स। तो फ्रेंड्स इनका जो मूर्तियां हैं यूनान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए बी एंड सी, चैरिएटियर ऑफ डेल्फी, डिस्कोबोलस, डेरिफोरस। तो फ्रेंड्स ये जो वर्क हैं इनकी, जो भी मुझे वर्क मिले हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये है चैरिएटियर ऑफ डेल्फी की।
ध्यान से देखिए इसको, चैरिएटर ऑफ डेल्फी, जो डेल्फी म्यूजियम में ही संग्रहित है। यूनान का डिस्कोबोलस, इनकी मूर्ति काफी प्रसिद्ध है। ये सेकेंड सेंचुरी एडी में तैयार की गई है ब्रॉन्ज में। फ्रेंड्स, जो वर्क मुझे अभी नहीं मिले हैं उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जो भी बल्कि काफ़ी इन चीज़ों को खोजने में वक्त लगता है, तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं जो भी बचे हुए हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस आस्था का शानदार उदाहरण है? राइट आंसर इज महायान चैत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अजंता को। नेक्स्ट है, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इज बौद्ध। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हमें एक आंसर, अगर अजंता भी राइट आंसर मालूम हो जाए तो सारे ऑप्शन अपने आप ही राइट हो जाएंगे। तो ये इस बार के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही थे कि अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो पांचों क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारक के निर्माण काल की पहचान कीजिए। राइट आंसर इज फर्स्ट गुप्त काल। नेक्स्ट है, यह स्मारक किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें भी फ्रेंड्स ऐसा ही है, अगर इस पेंटिंग को आपने जान लिया किसने बनाया है तो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट है, इस चित्र के माध्यम की पहचान कीजिए। राइट आंसर इज सेकेंड फ्रेस्को। नेक्स्ट इज, इस चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा विरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर इज सेकेंड नगमा, NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंदलाल बोस। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इनके भी हम डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ 1882 ईस्वी में, गोपाल घोष 1913, जैमिनी रॉय 1887 ईस्वी, NS बेंद्रे 1910 ईस्वी। UGC नेट के क्वेश्चंस जो 2023 में पूछे गए थे, इसके दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करके बनाया था, क्योंकि इसमें कुछ डिटेलिंग मुझे आपसे डिस्कस करना था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उनको भी आप जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें DSSSB के कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी, उसके कुछ प्रीवियस ईयर को भी मैं डिस्कस करूंगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो से बने रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जो वीडियोस नेक्स्ट आएंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।